मुझसे पत्रकारों ने पूछा अडानी क्या हो गया, मैंने कहा दो नंबरी हो गया। अरे मैंने कहा अडानी का एक ही बात हिंदुस्तान में है जो उसको राजनीतिक संरक्षण दे रहा है, उसका नाम है नरेंद्र मोदी। दादागिरी से उत्तर प्रदेश नहीं चलेगा, आंदोलन करेंगे, अपनी आवाज को उठाएंगे। आदित्यनाथ जी, ये व्यवस्था उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगी कि तुम्हारे मंत्री मोटा माल लूटे और हमारे बच्चे भात खाए, नमक खाए, रोटी खाए, ये व्यवस्था हम चलने नहीं देंगे। नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है वो हिंदुस्तान के किसानों को कष्ट दे रही है, माताओं बहनों को कष्ट दे रही है, नौजवानों को कष्ट दे रही है, अन्नदाताओं को कष्ट दे रही है, इस देश के आम आदमी को तकलीफ दे रही है। इसलिए सोमेंद्र ढाका अपने आप को तकलीफ देके सरकार से मांग कर रहे हैं कि उनकी तकलीफ दूर कर। और हमारी तकलीफ क्या है? हमारी तकलीफ यह है दोस्तों कि देश का अन्नदाता कहता है हमारे फसल का दाम दे दो, सरकार कहती है पैसा नहीं है। नौजवान कहता है हमको नौकरी दे दो, सरकार कहती है पैसा नहीं है। माताएं बहनें कहती है बच्चों का दूध बहुत महंगा हो गया, आटा दाल चावल भी महंगा कर दिया, दूध दही छाछ पे भी टैक्स लगा दिया, अरे और तो और छोड़ो, कैंसर की दवा महंगी कर दी, टीबी की दवा महंगी कर दी, हार्ट की दवा महंगी कर दी, किडनी की दवा महंगी कर दी, डीजल महंगा कर दिया, पेट्रोल महंगा कर दिया, सरसों का तेल महंगा कर दिया, गैस का सिलेंडर महंगा कर दिया। महंगाई तो कम कर दो मोदी जी। मोदी जी कहते हैं पैसा नहीं है। पैसा नहीं है लेकिन ये पैसा गया कहां? इसका हिसाब मांगने के लिए आज इस क्रांतिकारी धरा पर आप लोग इकट्ठा हुए हैं, इस मेरठ कमिश्नरी के पार्क में आप लोग इकट्ठा हुए हैं, जहां तभी बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जी अपने आंदोलनकारियों के साथ, किसानों के साथ आंदोलन करते थे, जहां तभी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी आंदोलन करते थे, जहां हमारे मेरठ के तमाम क्रांतिकारियों ने जिस धरा पर आंदोलन किया, यहां पर आंदोलन करके अनशन करके मोदी जी से आप पूछ रहे हैं मोदी जी हमारा पैसा गया कहां? आपको मालूम है आपका पैसा कहां गया? बैंकों में किसका पैसा जमा होता है? किसान का, मजदूर का, नौजवान का, छोटे व्यापारी का, कर्मचारी का। और वो पैसा जो आपका बैंकों में जमा था, वो पैसा मोदी जी ने निकालकर अपने मित्रों को बांट दिया। कितना बांट दिया? 11 लाख करोड़ रुपए बांट दिया। जब उनसे पूछा गया संसद में 11 लाख करोड़ रुपए आपने अपने मित्रों को कर्जा दे दिया, कितना पैसा वापस लाए, तो मोदी जी की सरकार ने कहा 86,986 करोड़ रुपए वापस लाए। बोले बाकी क्या हुआ? बोले बाकी बट्टे खाते में डाल दिया, बट्टे खाते में 10 लाख करोड़ रुपए डुबा दिया मोदी सरकार ने। आपके बच्चों के दूध के लिए पैसा नहीं है लेकिन मोदी जी के मित्रों के लिए 10 लाख करोड़ रुपए लुटा दिया, 10 लाख करोड़ रुपए। सोमेंद्र ढाका तानसन इस बात के लिए है कि वो 10 लाख करोड़ रुपए उनसे वसूल करो और ये पैसा किसानों को दो, मजदूरों को दो, नौजवानों की नौकरी को दो और हमारी माताओं बहनों को महंगाई से छुटकारा पाने के लिए ये मांग कर रहे हैं। एक आदमी अभी 5 दिन पहले उसका समाचार छपा, अडानी नाम है उसका। अडानी दुनिया का दूसरे नंबर का अमीर हो गया। मुझसे पत्रकारों ने पूछा अडानी क्या हो गया, मैंने कहा दो नंबरी हो गया। दो नंबरी, बाप नंबरी तो बेटा 10 नंबरी। तो बोले बाप कौन? अरे मैंने कहा अडानी का एक ही बाप हिंदुस्तान में है जो उसको राजनीतिक संरक्षण दे रहा है, उसका नाम है नरेंद्र मोदी। है कि नहीं है बताओ जरा? मोदी ने उसको कमवाने का
उसको अमीर बनाने का संकल्प ले लिया है। नरेंद्र मोदी का नारा है, अदानी को दुनिया का नंबर वन अमीर बनाना है। अरविंद केजरीवाल का नारा है, इंडिया को दुनिया का नंबर वन देश बनाना है। ये हमारी लड़ाई है। आपको मालूम है अदानी के पास कितनी संपत्ति है? सोमेंद्र ढाका जी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, अंकुश चौधरी भी बहुत पढ़े लिखे हैं, विकास शर्मा भी पढ़े लिखे हैं, हैदर भाई भी पढ़े लिखे हैं, अनूप पांडे भी पढ़े लिखे हैं, ये सारे पढ़े लिखे लोग मंच पे बैठे हैं। डॉक्टर सचिन शर्मा भी हमारे पीछे खड़े, ये सब पढ़े लिखे हैं। लेकिन अगर इन पढ़े लिखे लोगों से मैं कहूं कि 13 लाख करोड़ रुपए लिख दो तो कोई नहीं लिख सकता। लिख पाओगे महेश त्यागी जी? लिख सकते हो 13 लाख करोड़? जीरो लगाते लगाते थक जाएंगे। संजय चेची भी बैठे हुए, अशोक कमांडो है, सबको मैं चैलेंज देता हूं, लिख के दिखाओ 13 लाख करोड़, लिख के दिखाओ 13 लाख करोड़। जीरो लगाते लगाते थक जाओगे। इतना पैसा है अडानी के पास, कितना? 13 लाख नहीं, 13 करोड़ नहीं, 13 हजार करोड़ भी नहीं, 13 लाख करोड़ रुपया। कितना? 13 लाख करोड़। जीरो लगाते लगाते थक जाओगे। और मोदी जी ने कर्जा कितना दिया है? सुमेंद्र भाई ने बताया 77 हजार करोड़ बैंक का कर्जा माफ कर दिया। और कर्जा दिया कितना है? 2.5 लाख करोड़ रुपए बैंक का कर्जा दिया है। 2.5 लाख करोड़ रुपए बैंक का कर्जा दिया है। अगर आपको 2.5 लाख रुपए का लोन खरीदना हो, लेना हो बैंक से, 2.5 लाख रुपए का लोन लेने में चप्पल घिस जाएगी, बैंक का मैनेजर दौड़ा दौड़ा के आपके पसीने निकाल देगा, 2.5 लाख रुपए आपको नहीं मिलेगा। अदानी को 2.5 लाख करोड़ का कर्जा मिला। तो मैं तो कह रहा था मोदी जी, ये वैशाली सिन्हा को भी 2.5 लाख करोड़ का कर्जा दे दो, ये भी 2 नंबर की अमीर हो जाएगी। दिला दो इसको भी 2.5 लाख करोड़ का कर्जा। क्यों भाई, गलत तो नहीं कह रहा हूं? तो ये अमीर बनाने की सड़क सवार है मोदी जी। कह रहे हम अपने बेटे अडानी को अमीर बनाएंगे। देश का बेटा गरीबी में रहे, भारत भूखमरी के मामले में 116 देशों की सूची में 101 नंबर पर आ गया, और मोदी जी अडानी को दूसरे नंबर का अमीर बनाकर खुश हो रहे हैं। हम ये व्यवस्था नहीं चाहते, हम चाहते हैं हिंदुस्तान से भुखमरी मिटे और जो पैसा है वो सबको बराबर मिले। किसी एक आदमी की तिजोरी भरते हो, दूसरों को भूखा मारते हो, ये व्यवस्था नहीं चलेगी। बागपत गए थे हम लोग 2-3 साल पहले, एक किसान ने आत्महत्या कर ली क्योंकि उसके ऊपर कर्जा था। मनीष सिंह जी याद है आपको? कितने का कर्जा था? 7 हजार रुपए। कितने का? 7 हजार रुपए। और वो 7 हजार का कर्जा नहीं दे पाया, इसलिए उसने आत्महत्या कर ली, क्योंकि बैंक वालों ने उसके घर पे नोटिस लगा दी, गांव में उसकी बेइज्जती हो गई। उसने कहा इससे अच्छा तो मर जाना है। लेकिन आज मोदी जी के जो मित्र हैं, नीरव मोदी 20 हजार करोड़ लूट के भाग गया, विजय माल्या 9 हजार करोड़ लूट के भाग गया, नितिन सनेसा 6 हजार करोड़ लूट के भाग गया, ललित मोदी 3 हजार करोड़ लूट के भाग गया। मैंने कहा नरेंद्र मोदी जी, ललित मोदी को पकड़ के लाओ। नरेंद्र मोदी जी ने कहा हमें पता नहीं ललित मोदी कहाँ है। अरे मैंने कहा सुष्मिता सेन से पूछ लो, वो बता देगी। कहा उसी से पूछ लो, वो बता दे। सुष्मिता सेन को ललित मोदी मिल जाता है, लेकिन नरेंद्र मोदी को ललित मोदी नहीं मिलता, इसलिए कि चोरी के माल का बंटवारा बराबर बराबर हो रहा है, हो रहा है। अभी
आम आदमी पार्टी के किसी नेता के बारे में पता चल जाए कि उसके नाना जी ने 4 समोसा 10 साल पहले खाया था, पैसा नहीं दिया, तो कहेंगे इसकी सीबीआई से जांच कराओ, इसको फांसी पे चढ़ा दो। कहते नहीं कहते, मनीष सिसोदिया के घर छापा मारो, केजरीवाल जी के घर छापा मारो, बाबा योगी ने मेरे खिलाफ 23 मुकदमा लिख दिया। कहां गए अरविंद बाल्या? इनके जिले में लिखवा दिया, मुजफ्फरनगर में, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, ओम बिरजी का भी जिला, कोई जिला बचा नहीं, सब जगह मुकदमा मुकदमा मुकदमा, 23 मुकदमा लिखवाया बाबा जी ने मेरे खिलाफ, एक दिन में 9 मुकदमा लिखवाया, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लिखवाया। मैंने कहा बाबा जी 2300 मुकदमा लिखो, लेकिन संजय सिंह तुम्हारे खिलाफ लड़ता रहेगा, हम कोई चुप बैठने वाले लोग नहीं। दादागिरी से उत्तर प्रदेश नहीं चलेगा, आंदोलन करेंगे, अपनी आवाज को उठाएंगे और आपसे लड़ाई लड़ेंगे, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए। जहां जाता हूं लोग अपनी पीड़ा लेके आ जाते हैं। कई ऐसे नौजवान है जिनका दरोगा में भर्ती नहीं हुआ, सिपाही में भर्ती नहीं हुआ। कई ऐसे बुनकर समाज के लोग हैं जिनका व्यापार बर्बाद हो गया। कई ऐसी हमारे शिक्षा मित्र, माताएं, बहनें हैं जिन्होंने सिर मुड़वा के सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कई बुलंदशहर में कौशल चौहान की कहानी है, जो शिक्षा मित्र अपने बच्चों का पालन पोषण नहीं कर पाया, तो ट्रेन के आगे जाकर अपने आप को मार लेता है, अपनी आत्महत्या कर लेता है। ये दुश्मनियां, ये कहानियां, ये तकलीफें, ये पीड़ा हिंदुस्तान की सच्चाई बन गई है। आज हमने अभियान शुरू किया, सेल्फी विद सरकारी स्कूल, और ये अभियान कब शुरू किया? जब बाबा आदित्यनाथ जी ने कहा उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूल को हमने कॉन्वेंट बना दिया है, हमने बागपत का स्कूल दिखाया, हमने मेरठ का स्कूल दिखाया, हमने सहारनपुर का स्कूल दिखाया, हमने बुलंदशहर का स्कूल दिखाया, हमने उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों के स्कूल दिखाए जहां पर बिल्डिंग नहीं थी, टाट पट्टी पर बच्चे बैठ के पढ़ रहे थे, उनको नमक रोटी खाने के लिए दिया जा रहा था, उनको सूखा भात खाने के लिए दिया जा रहा था। आदित्यनाथ जी, ये व्यवस्था उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगी कि तुम्हारे मंत्री मोटा माल लूटे और हमारे बच्चे भात खाए, नमक खाए, रोटी खाए, ये व्यवस्था हम चलने नहीं देंगे। इसलिए मैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और आपका आह्वान करना चाहता हूं, हम अपने बच्चों को नमक रोटी खाने नहीं देंगे। स्कूल की बदहाली के खिलाफ आंदोलन करना होगा और उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों को ठीक करने की लंबी लड़ाई हमको लड़नी होगी। अभी कल खबर पढ़ रहा था, गंगा मैया के नाम पर भ्रष्टाचार, गंगा मैया की सफाई के नाम पर करोड़ों का घोटाला। नदियों की हालत जाकर देख लीजिए, हिंडन में आप जाकर देखिए, गंगा नदी में, प्रयागराज में, काशी में जाकर देखिए गंगा की हालत। गंगा रो रही है, उसमें नाले छोड़े जा रहे हैं, गंगा को प्रदूषित किया जा रहा है। प्रदूषण ठीक करने के नाम पर हजारों करोड़ रुपए निकाल लिया जा रहा है और मोदी जी कहते हैं गंगा मैया ने बुलाया है, हम गंगा मैया साफ करेंगे। गंगा मैया नहीं साफ कर रहे हो मोदी जी, गंगा मैया के नाम पर रुपया साफ कर रहे हो, रुपया, गंगा मैया के नाम पर रुपया साफ हो रहा है। फर्जी नारों में आपको फंसा के रखते हैं, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। भाजपाइयों के पास आपकी समस्या का कोई समाधान नहीं है। आप रोजगार मांगते हो, कहते हैं हिंदू मुसलमान। आप फसा का दाम मांगते हो, कहते हैं हिंदू मुसलमान। आप अच्छी सड़कें मांगते हो, कहते हैं हिंदू मुसलमान। इनके पास एक ही फार्मूला है, नौजवान कहता है नौकरी दे दो, भाजपा कहती है नौजवानों तुमको लाठियों से पिटवाएंगे, जेल में भी डालेंगे, पीठ लाल कर देंगे मार मार के, लेकिन वोट बीजेपी को देना क्योंकि हम मुसलमानों को ठीक कर रहे हैं।
गलत तो नहीं कह रहा हूं, गलत तो नहीं कह रहा हूं। किसान भाइयों, तुमको फसल का दाम नहीं देंगे, अन्नदाताओं कर्ज के बोझ के तले दब के आत्महत्या कर लेना, लेकिन मरने से पहले अपने परिवार को बोल के जाना, वोट बीजेपी को देना, क्योंकि हम मुसलमानों को। माताओं बहनों, भले ही महंगाई से तुम्हारा चूल्हा ना जले, भले ही महंगाई के कारण बर्बाद हो जाना, लेकिन वोट बीजेपी को देना, क्योंकि हम मुसलमानों को। व्यापारी भाइयों, मक्खी मारते रहना, भले ही तुम्हारा व्यापार बर्बाद हो जाए, सड़क पर कटोरा लेके घूमना, लेकिन वोट बीजेपी को देना, क्योंकि हम मुसलमानों को। देश के लोगों, कोरोना की महामारी में भले ही लाखों की संख्या में मर जाना, नदी के घाट पर भले ही चील कौवे कुत्ते तुम्हारी लाशों को नोचते रहे, लेकिन वोट बीजेपी को देना, क्योंकि हम मुसलमानों को। मुसलमानों को ठीक करते करते इन बेईमानों ने पूरे देश का बंटाधार कर दिया। मोदी जी कहते हैं भारत माता की जय, हम भारत की रेल बेचे, कहते हैं कि नहीं कहते? भारत माता की जय, हम देश का कोल इंडिया बेचे, भारत माता की जय, हम देश का स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड बेचे। और अरविंद केजरीवाल क्या कहते हैं? भारत माता की जय, हम अपने बच्चों के लिए स्कूल बनाएंगे, भारत माता की जय, हम अपने बच्चों के लिए अस्पताल बनाएंगे, भारत माता की जय, हम अच्छी सड़कें बनाएंगे, हम अपने बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराएंगे। हमने अपनी कहानी सुनी है बुजुर्गों से कि बाप दादा की संपत्ति को जो बढ़ाते हैं वो सपूत कहलाते हैं, और बाप दादा की संपत्ति को जो बेचते हैं वो कपूत कहलाते हैं। भारत की सरकार एक कपूत सरकार है जो 6.5 लाख करोड़ रुपए की आपकी संपत्ति बेच रही है, 6.5 लाख करोड़ की संपत्ति बेच रही है। रेल बेच रहे हैं, सेल बेच रहे हैं, कोल इंडिया बेच रहे हैं, LIC बेच रहे हैं, बैंक बेच रहे हैं, सड़क बेच रहे हैं, बिजली बेच रहे हैं, पानी बेच रहे हैं, BPCL बेच रहे हैं, FCI बेच रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान बेच रहे हैं। तो आज के बाद शहीद आजम भगत सिंह को याद करके जब भारत माता की जय लगाना, तो भाजपाइयों से हिसाब भी पूछना कि बताओ तुम भारत की संपत्ति कितनी बेच रहे हो, क्या क्या बेच रहे हो, इसका हिसाब दो। तुम संपत्ति बेचने वाले भारत माता के गद्दार हो, तुम भारत माता की जय नहीं लगा सकते। और मैं गद्दार क्यों कह रहा हूं? क्योंकि यहां अशोक कमांडो बैठे, ये कारगिल के युद्ध में खुद शामिल रहे हैं, और आज अग्निवीर योजना लाई गई, हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग, मेरठ के लोग, बागपत के लोग, मुजफ्फरनगर के, सहारनपुर के, बुलंदशहर के लोग, गाजियाबाद के लोग, अलीगढ़ के लोग, आगरा मथुरा नोएडा के लोग, जाके पता कीजिए, भूपेंद्र यादव जी लिस्ट बनाइए, चेतन त्यागी जी लिस्ट बनाओ, जाओ एक एक गांव में पूछो कितने सेना के लोग भारत की सेना में रह के सीमा की सुरक्षा कर रहे हैं, -50 डिग्री टेम्परेचर में सियाचिन में और +50 डिग्री टेम्परेचर में जैसलमेर में भारत माता की रक्षा के लिए कठिनाई सह रहे हैं, शहीद हो रहे हैं। और इन बेईमानों ने कहा 17 साल में सैनिक बन जाओ, 21 साल में पूर्व सैनिक बन जाओ, 34,000 अगर सेना के जवान हर साल कम होंगे तो भारत की सेना, याद रखना, 20 साल में आधी हो जाएगी। ये भारत की सेना के साथ मोदी जी की गद्दारी है, मैं कहना चाहता हूं। गद्दारी है कि नहीं बताओ मुझे?
गद्दारी कर रहे हैं भारत की सेना के साथ। 20 साल में भारत की सेना आधी हो जाएगी, क्योंकि 34,000 सैनिक हर साल कम होंगे, और 34,000 सैनिक अगर हर साल कम हुए तो 20 साल में भारत की सेना तो आधी हो जाएगी। ये कैसे देशभक्त है, इनसे सवाल पूछना जरूरी है। ये देश को बांटने वाले लोग हैं दोस्तों, ये देश में नफरत फैलाने वाले लोग हैं। ये भारतवर्ष गंगा जमुनी तहजीब का देश है, हम मिली जुली संस्कृति वाले देश है। विविधता में एकता भारत की विशेषता है। यहाँ अलग अलग भाषा, अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। ये वो मुल्क है जहाँ बिस्मिल्लाह खान की सहनाई संकट मोचन के मंदिर में गूंजती है। ये वो मुल्क है जहाँ मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत लिखते हैं। ये वो मुल्क है जहाँ रस खान को पढ़कर हम भगवान कृष्ण के बारे में जानते हैं। ये वो मुल्क है जहाँ मोहम्मद रफी गाना गाते हैं, सुख के सब साथी दुख में ना कोई, मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजा ना को। यह संस्कृति वाला भारतवर्ष है। और कौन से हिंदू धर्म की बात कर रहे हो तुम? जो हिंदू धर्म हमारा है वो हिंदू धर्म कहता है वसुधैव कुटुंबकम्, पूरा विश्व हमारा परिवार है, पूरा विश्व हमारा परिवार है, पूरा विश्व हमारा परिवार है। तो अगर हम पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हैं तो हिंदू भी, मुसलमान भी, सिख भी, ईसाई भी, अगड़ा भी, पिछड़ा भी, दलित भी, सवर्ण भी, सारे लोग हमारे भाई हैं। यह है हिंदू धर्म। हिंदू धर्म की रामचरितमानस की चौपाई क्या कहती है? सब नर करें ही परस्पर प्रीति। सब नर करें, सारे लोग आपस में प्रेम से रहें। हिंदू धर्म की पूजा के समापन के बाद हम क्या कहते हैं? धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण। कहते नहीं कहते? कहते कि नहीं कहते? सीएम चौहान साहब, तुम्हारे तो नाम के आगे ही सीएम लगा हुआ, उसे करते क्यों बताइए भाई? किसी कहते हैं ना। अब बात पाई क्या कहते हैं? प्राणियों में दुर्भावना हो। कहते नहीं कहते? तो दुर्भावना वाले चाहिए कि सद्भावना वाले चाहिए? दुर्भावना वाले चाहिए कि सद्भावना वाले चाहिए? तो मुसीबत आम आदमी पार्टी से जानते हो क्या है? भाजपाइयों की हिंदू मुसलमान की दुकान अच्छी चल रही थी, ये केजरीवाल पता नहीं कहां से पैदा हो गए, इन्होंने कहा सटल डाउन। केजरीवाल जी ने कहा सटल डाउन, हिंदू मुसलमान की राजनीति अब नहीं होगी, अब स्कूल अस्पताल की बात करनी पड़ेगी। 2017 में क्या बोले थे प्रधानमंत्री जी? भाइयों और बहनों, गांव गांव में कब्रिस्तान है तो शमशान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोला था कि नहीं? राणा साहब बताओ, बताओ, ऐसा कोई आप सपनी आदमी हो सकता है क्या? बताइए, ऐसा आप सपनी आदमी हो सकता? कह रहे गांव गांव में शमशान चाहिए। बताइए, अब की मैंने पूछा कोई भाजपा नहीं बोला, मैंने पूछा भैया शमशान चाहिए? बोले नहीं नहीं बिल्कुल नहीं चाहिए। बताइए बताइए, इन अपशकुनियों ने, इन अभागे लोगों ने शमशान 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 कहके ऐसी हालत में मुल्क को पहुंचा दिया, कोरोना की महामारी में गांव गांव में शमशान बन गया, गांव गांव में शमशान बन गया। इसलिए मैं कहता हूं इनके चक्कर में मत पड़ो, हमको शमशान नहीं चाहिए, हमको अपने बच्चों के लिए अच्छे स्कूल चाहिए, अस्पताल चाहिए, सड़कें चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए। और ये काम कौन कर सकता है? ये काम कौन कर सकता है? केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल ने कहा गरीब के घर में रोशनी तो होनी चाहिए लेकिन उस रोशनी की कोई कीमत नहीं होनी चाहिए। 300 यूनिट बिजली फ्री करने का काम,
आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं आपको जान के गर्व होगा, 1 जुलाई से पंजाब के अंदर वहां के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने 300 यूनिट बिजली फ्री कर दी और इस महीने में 51 लाख परिवारों का जीरो बिजली का बिल आया है, जीरो। दिल्ली और पंजाब में नारे लग रहे हैं कि बिजली का बिल है जीरो और केजरीवाल भगवंत मान है हीरो, ये नारा लग रहा है। बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराती है केजरीवाल जी की सरकार, पीने का साफ पानी निःशुल्क देती है केजरीवाल जी की सरकार, माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा देती है केजरीवाल जी की सरकार, और फरिश्ते स्कीम लेके आई दिल्ली के अंदर का, अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो छोड़ के भागना मत, उसको उठाना, अस्पताल पहुंचाना, पहुंचाने का भी 2000 रुपए सरकार देगी और इलाज में 50 लाख भी खर्च होगा तो सरकार देगी। बताओ हिंदुस्तान में कहां है ऐसी सरकार। इसलिए साथियों और दोस्तों डरे हुए हैं गुजरात से, क्योंकि गुजरात में भी केजरीवाल जी ने कह दिया जैसे पंजाब में 300 यूनिट बिजली फ्री, ऐसे ही गुजरात में सरकार बनाओ वहां भी बिजली फ्री कर दी जाए। और लोग भी कह रहे हैं कि एक है भारतीय जुमला पार्टी और दूसरी है केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी, एक झूठ बोलने का काम करती है और एक सच बोलती है, वादे से ज्यादा काम करके दिखाती है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।